अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल फूड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी बेस्ट और इजी रेसिपीज़। तो आइए और हमें ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए मेरा चैनल फूड जंक्शन और कीजिए नई नई रेसिपीज़ को ट्राई। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज हम बनाएंगे क़ीमा कलेजी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम क़ीमा मोटा कुटा हुआ, 400 ग्राम कलेजी, इसे थोड़े से हल्दी के पानी में मैंने इसे उबाल लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, आधा टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश की हुई, 1 बड़ी हरी मिर्च इस तरह से टुकड़ों में कटी हुई, 2 बड़े चम्मच सरसों का पका हुआ तेल तकरीबन 80 ml, 2 छोटी प्याज इस तरह से चॉप की हुई, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, इसको मैंने फेंट लिया है। अब सबसे पहले कुकर में डालेंगे तेल और इसे गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले और इसे भून लेंगे। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे क़ीमा, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे कलेजी। कलेजी को मैंने हल्दी के पानी में 10 मिनट के लिए उबाला था, इसे चलाएंगे। अब साथ में इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए भून गया है। अब इसमें डालेंगे पानी, क़ीमा कलेजी को गलाने के लिए। मैंने इसमें करीब 2 प्याले पानी डाला है। अब ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक तेज़ गैस पर पकाएंगे। उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए हल्की गैस पर छोड़ देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, अब गैस ऑन करेंगे और इसे चेक करेंगे कि ये गला है या नहीं। ये देखिए, अच्छे से गल गया है। अब गैस को तेज़ करेंगे और इसमें डालेंगे दही, कसूरी मेथी और हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से मिलाएंगे।
अब इसमें डालेंगे ऊपर से गरम मसाला पाउडर, फिर मिला देंगे। ये तैयार है, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। क़ीमा कलेजी सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।